So in this chapter, we will learn how HTML used to create web pages. सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और उन टेक्स्ट में हम कुछ टैग्स या कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे ताकि ब्राउज़र को समझ आए कि ये टेक्स्ट है क्या, कहाँ पर आपकी हेडिंग है, कौन सा, कहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू हुआ है, कहाँ पर आपका पैराग्राफ एंड हुआ है, और फिर आपको कुछ नए टैग से इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस चैप्टर में. सो HTML यूजेस एलिमेंट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेज. होता ही है कि जो भी आपने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है अपने वेब पेज का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स. अच्छा, आपके लिए अब ये टैग और एलिमेंट्स ये आपने सुना तो होगा, लेकिन टैग होता क्या है? टैग कुछ भी नहीं है. टैग ये दो एंगल ब्रैकेट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और इनके दरमियान आप जो भी लिखते हैं वो टैग नेम कहलाता है. एवरी HTML एलिमेंट हैज़ दीज एंगल ब्रैकेट्स. तो जनरली वी हैव स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग, एंड देर इज़ वन मोर टर्म विच वी कॉल एलिमेंट. और एलिमेंट क्या होता है? आपका स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है. इसके दरमियान जो भी आप कंटेंट लिखते हैं तो वो क्या करता है? वो आपका एलिमेंट होता है. अब HTML एलिमेंट्स ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को डिस्प्ले किस तरह से करना है. और होता ही है कि आपका जो ब्राउज़र है वो आपके टैग्स को, आपके एलिमेंट्स को डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन जो भी कंटेंट है, जो भी आप पेज दिखाना चाह रहे हैं, वो आपका पेज रेंडर कर देता है. अभी हम कोड लिखेंगे, फिर हम और सीखेंगे कि किस तरह से आपका ब्राउज़र आपके कंटेंट को रेंडर करता है.